तोता भी खाना खाता है यहाँ पे हमारे यहाँ पे। To stop what you're doing and listen. तो अभी स्टार्ट नहीं करेगी? अभी स्टार्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी? नहीं करेगी। अभी नहीं करेगी? है पागल। एक क्या व्लॉगर बनेगी रे तू? क्या? एक क्या? क्या? क्या व्लॉगर बनेगी रे तू? आंटी लग रही है, रेड लिपस्टिक लगा के आ गई है। तू रेड नहीं होती है, चेस्टनट कलर है। चेस्टनट तेरी माँ का साकी ना का इनकी आंख चेस्टनट। हेलो, कलर को गुलाबी कलर बना दो तो क्या वो गाली नहीं है? तो कलर, हेलो, तू कलर का नाम कुछ भी रख देगी तो वो रेड नहीं है? तो रेड नहीं है, रेड है वो। वो चल के नहीं रहा, रेड वो होता है। ये जो वो लाल, वो रेड है, लाइट वाला रेड कलर होता है। अंकल की पगड़ी का भी रेड कलर है साइड में। तेरा भी रेड कलर है तेरे होटो पे? मेरी शर्ट पे है रेड, मेरे होटो पे नहीं है। होटो पे इज चेस्टनट। ओके, शर्म कर, शर्म, चेस्टनट। डर क्यों? डर हम लड़कों से नहीं। मेरे पास प्रूफ है, रुक रुक, ये देख। व्हाट नेम लिटन? मैं उस पर फोकस ही नहीं कर रहा। जो जो मर्जी ना हो। लाइट हो गई, लाइट तो पहले भी रखी थी, राइट थी, अब ग्रीन हो गई। अबे दिल्ली में रहकर ग्रीन लाइट होगी, लाइट होगी नहीं बोला तो क्या बोला? अब ये रेड नहीं है, मैरून है। वो तो रेड है। अब वो रेड है। वो रेड है, मैरून इज डिफरेंट। देम आगे हमारी डेस्टिनेशन। शॉट ले ले, शॉट ले ले, शॉट कर दूंगा मैं। रेड को रेड नहीं बोलेगी तो रेड को रेड में बोलो, रेड को तो रेड बोलूंगी, चेस्टनट को तो चेस्टनट बोलूंगी। क्या लू, पैसिफिक कहीं लिखा ही नहीं है दूर दूर तक साले इस पे। देख अभी आएगा, देख अभी आएगा। आया वो रहा। ओ वो देखो, आया पैसिफिक लिखा, आया वो आ गया। ऊपर स्काई कितना अच्छा आ रहा है। ओए होए होए होए, क्या तेरी मादी मादी कर। दिल्ली में रह के पहाड़ों जैसे नजारे दिख रहे हैं ऊपर आसमान में। अबे बारिश हो रही है सुबह से, इसीलिए गवार। तो मैंने कुछ बोला किस वजह से दिख रहे हैं, किस वजह से नहीं दिख रहे? मैंने तो बस ये बोला नजारे अच्छे दिख रहे हैं, बस मुंडी ऊपर करके लेट जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली में ही मजे। अभी हम जाएंगे गुफा में, गुफा में। अगर यहाँ पे ऊपर किसी जानवर का मुंह बनाने तो लगेगा उनके उसके पेट में जा रहे हैं, कितना अच्छा वो लगेगा। नाइस आइडिया। क्या कर रहे हो? मैं जो उन्होंने बना रखा ना डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही है, परफेक्ट। लोग रुके ना चले, ऐसा लग रहा कॉलेज जा रही है। कितने डंबर ऐसा बैठा है तुम्हें? घूम रही, ऐसी फील आ रही है जैसे कॉलेज से बंक मार के आए हो और वहां बैग टांग गए। क्या है गिराना है? मेरे को नहीं पता था, निकला तो मैं इस साइड कर रहा था अपनी साइड की, ट्रैफिक आ रहा है यहाँ से कर रहा है, तो कुछ देख रही है तो मैं मैंने बोला भी था। अरे मेरे को कुछ करना है, नहीं सुनाई दिया था मेरे को, सुनाई दिया एक सेकंड रुक जा, तो मैं बोला तू कुछ देख रही है। ओ जो 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 गिर जाती, फिर नहीं गिरती, मैं पकड़ रखा था तभी देखो, जरूर। और मैं एक्चुअली गिरा ही रहा था। इतनी गंदी जात हो रही ना, आज कैमरा भी अथू कर देगा। करा नहीं अथू कैमरे ने, मैंने कर दिया। कहाँ पे आते हो? बस सामने। मैंने अच्छा तो लग रहा यार। अलग एडवर्टाइजमेंट शूट हो रही है।
हो सकता है। चलो हम वापस पार्किंग में आ चुके हैं क्योंकि जो हम मैपल शॉप गए थे उन्होंने बोला कि हमें पार्किंग से जाके स्ट्रेट जाना है। अब पार्किंग से जाके टी पॉइंट से कहाँ से स्ट्रेट जाना है ये नहीं बताया उन्होंने। स्ट्रेट बोला था ना तो स्ट्रेट में क्या दीवारों में बढ़ जाते हैं। राइट क्यों बोला था उन्होंने बे? नहीं बोला था, मैंने पूछ लिया तो पूछा ना उन्होंने जिन्होंने बताया एप्पल सर्विस सेंटर वाले। ये तो पूरा ही बॉल से बाहर ही कर दिया। देखो मैंने बोला था ना आतू कर देंगे, कर दिया ना आतू। इज्जत से बिठा रखा था सब कुछ था। सही में उधर तो नहीं कितना सही था। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा जब हम पहली बार गए थे, पहले के व्लॉग में जब हम पहली बार गए थे पूरी बात तो सही है। मैं बीच में काटता था बस रो नहीं मैं खुद आ गई। I feel so down. Can't stop thinking that I'm just a poor clown. That everybody's fake in my own town. Even though I know it ain't true. But I can't stop feeling so blue. So blue. So blue. एप्पल के उसमें सैमसंग का पैक लगे तो दिखाइए मत तो फिर वैसे सुबह ऐसे हाथ रख के बैठना पड़ेगा। मैकबुक निकाल के करना पागल हो गया। बट ऐसे छुपा के निकालेंगे मैकबुक। बिल्कुल तो बेसिकली उन्होंने अंदर तो रिकॉर्ड करने नहीं दिया क्योंकि ऑब्वियसली वो शो में से जो ऐसा है ना बहुत सारे लोग हैं। बट हम अभी मैकबुक दे के आ चुके हैं। यहाँ के लोग पहले वो ऑलरेडी कर चुके हैं दो बार। उन्होंने हमें बता दिया था कि फर्स्ट टाइम में साफ होता है उसके बाद चेंज करते हैं बिना कुछ करे क्योंकि दिक्कत आ रही होती है कीबोर्ड। तभी एप्पल वाला सर्विस प्रोग्राम चला रहे हैं क्योंकि उनके उस कीबोर्ड में है ही दिक्कत। और यहाँ पे अभी फिर और पहले भी यहाँ पे भी हमें दो चीजें थी लाइक पहले था टोकन सिस्टम भी था अपॉइंटमेंट भी था और चला टोकन सिस्टम की वजह से तो मैंने कहा अपॉइंटमेंट का फायदा क्या। फिर उन्होंने बोला एक घंटा बिठा के रखा एक घंटा अपॉइंटमेंट के बाद एग्जैक्टली। तो फिर हमने बोला अपॉइंटमेंट है तो उन्होंने अच्छा मैम आपकी अपॉइंटमेंट है हम अभी आपको देख रहे हैं तब जाके नंबर आया। मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता जब तक मैं कुछ जाके करूँ ना ना बोलू ना क्या हम ठहरे रहे और जमीन चलने लगी बहुत लेम था। हम ठहरे रहेंगे और जमीन चलने लगेगी और वो भी ऊपर की साइड है ऊपर की साइड हमारे लिए कुछ भी यार यूटर्न तो लेन दे 10 किलोमीटर चल के आ गई ना तू यार तू जैसा तेरे जैसा एक्सकेलेटर पे भी यूटर्न दलवाता है मतलब वो ट्राई खाने शर्म कर ले थोड़ा बर्न कर ले पहले पंजाबी हो गया अगर छोले भटूरे खाने में शर्म करे तो पंजाबी कैसे रहे मैं शर्म नहीं कर रहा हूं फिर डमाद है ऐसी बातें करवा रहे तो मेरी आंखों में धुंध आ रही आगे वो कह रही पापी दुनिया को मत हम ऊपर से ना उस साइड से आए थे ऊपर इधर होती है तू चल मैं तो यही करूँगा मैं तो चाहूँ मेरी बंदी अच्छी बने एकदम फिट ऐसा तंदुरुस्त तो वो मेरी बंदी चाहे ना मेरे लिए मैं छोले भटूरे खा रहा हूँ खुद का खाता भी नहीं तब भी
खुद तो खाता, मेरी तारीफ कर रही है तू? खुद तो खाता नहीं, तब भी कौन है तारीफ कर रही है वो? तो मेरी बंदी को मेरी फिक्र होनी चाहिए ना, मेरी बंदी भी मेरे को फिक्र कर रही है। बंदी को फिक्र कर रही है, सोलर ड्रिंक खिला के तो थोड़ा के मैं तेरे को थोड़ा खिला रही हूं, मैं शक्ल देखूंगा। नहीं तो अपना कुछ और खाइयो, मेरे सोलर में तो खाना नहीं खाना तेरे को। हां नहीं तो मतलब हम दो दो ले रहे हैं। हां दो भटूरे, एक तेरे एक मेरा। नो, एक प्लेट तेरी एक प्लेट मेरी। फिर ये तो बोलती भी नहीं मैं। बाय द वे हम लिफ्ट लॉबी ढूंढ क्यों रहे? आई डोंट वांट सस्पेंस। गो देयर। तो मैंने क्या फारसी बोली थी पागल? हम क्यों जा रहे हैं नीचे? हमारी मेहरबानी, कार्ड की गाड़ी में छोड़ देंगे यहाँ साला, बिना कार्ड के। यूपी आई तक नहीं है कहीं ना, इधर का कार्ड बनवाने के उसमें इसमें भी नहीं है। बताओ तो आज के जमाने में यूपी नहीं है। इतने मोदी जी दिख रहे हैं, कहना यूपी करो, डिजिटल इंडिया बनाओ, इतने बड़े बड़े मॉल में यूपी नहीं है। कैसे लोग कार्ड नहीं होता है? इसको मैं रख सकता हूँ, बट मैं इसको रख क्या हूँ? मैं तो रख सकता हूँ। मेरे पैर नहीं है, मैं लॉक कर दूंगा, तो जैसे खोल लेगी। मैं चाइल्ड लॉक के साथ लॉक कर दूंगा, तो जैसे खोल लेगी। चाइल्ड लॉक नहीं होता, और मैं बैठूं नहीं क्यों? गाड़ी निकालने के लिए घुसेगी ना, वो गाड़ी का रास्ता नहीं, पर्स निकालने के लिए घुसेगी। पागल। एंड लेट्स गो, हम जाते हैं फिर वापस से फूड कोर्ट को लेते हैं। और हम यहाँ बाहर बैठे, अंदर बिल्कुल सिटेंगे हैं, खाते हैं, फिर दूसरी जगह चलते हैं। एंड अभी मुझे पपी को लेके डॉक्टर के पास भी जाना है, क्योंकि एक पपी की डेथ हुई, वो मैं आपको स्टोरी आगे गाड़ी में बताती हूँ। मैं स्टोरी गाड़ी में बताती हूँ आपको। मिल जाएगी। सो हम फाइनली गाड़ी में वापस आ चुके हैं, एंड अब ये ड्राइव करें ताकि मैं आराम से बात बात कर सकूं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला था कि मुझे आपको वो स्टोरी कंटिन्यू करनी है, ऑब्वियसली, जो कि एक्चुअली कुछ स्टोरी नहीं है, बेसिकली था जैसे अभी रिसेंटली हम जब लास्ट अभी अमृतसर गए थे, तब एक डॉग ने पीछे से चार बच्चे दिए थे, तो अब वो वन मंथ या वन एंड हाफ मंथ के हो चुके हैं, उनमें से एक की डेथ हो गई है। एंड उससे पहले अभी दो दिन पहले ही उनकी मदर की भी डेथ हो गई है, लाइक फॉर नो रीजन, पता नहीं क्यों। उसका लाइक ना उसकी तबीयत खराब थी, वो दो घंटे पहले तक सही थी, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, मुंह से खून खून खून। लास्ट वाले पपीज को था, जो लास्ट ईयर पपीज था उनको डिस्टेम्पर हुआ था, बट इधर इसको नहीं था वो चीज़, पता नहीं क्यों। तो अब मैंने फाइनली डिसाइड करा है, अभी तो पहले हम उस पपी को बरी करने जाएंगे, और उसके बाद मैं सारे पपीज को तो वैक्सीन लगवा दूंगी, जितने भी पपीज हैं, लाइक और डिले करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। सो एनीवेज, तो अभी हम पहले उसको बरी करने चलेंगे, फिर शाम को देखते हैं, अगर उधर जो और जो ग्रुप के लोग हैं उनसे कुछ बात बात होती है, कुछ होता है तो वो करेंगे, वरना नहीं तो लाइक जो भी होगा। मैंने अभी एक दो आंटी से बात करी जो उसका पार्ट है, कि कहीं से भी जैसे भी करके वैक्सीन करवाते हैं उनकी, नहीं तो, क्योंकि इनको ये ऑब्वियसली बीमारी लग ही जाती है, बाहर हैं सर्दियों का टाइम, एंड प्लस कोई भी कुछ भी खाना देता है, घर के पपीज तक को लग जाती है जिनका ध्यान रखते हैं, तो ऑब्वियसली उनको तो लग ही सकती है, तो इसलिए हम उनको वैक्सीन करवा देंगे। सो या होपफुली सब सही रहेगा। अभी उस टाइम पहले मैंने एक शूट करा था ब्लॉग, उसमें बोला था कि लाइक कि एक पपी एक
डॉग थी जो एक्चुअली वो बहुत पुरानी है, उसको मैंने सही होने के लिए संजय गांधी भेजा था और उसके अगले दिन ही उन्होंने कॉल करके बोला था कि शायद उसकी डेथ हो गई है, टैग नंबर्स कंफ्यूजन हो गया था और एक महीने बाद उसका कॉल आके बोल रहे कि वो सही होगी, तो वो खुशी की न्यूज मिली थी और अब ये सब वापस है। तो या जो साल के शुरुआत में होता, आई डोंट वांट दैट टू रिपीट, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसीलिए ड्रिजल भी शुरू हो गई थी बट बारिश को भी, और तब मैं खाना खाती ये खा चुका था मेरा रहता था मैंने इसको बोला फटाफट खा ले बारिश स्टार्ट हो रही है तेज ना हो जाए बट ये ढीला ढीली है ढीली खाती है ढीली नहीं मैंने ओवर आराम से खा दी ठीक है ना। तो जो भी फिर आगे बता। तो मैं आराम से खा रही थी एंड लाइक बारिश से भी ये नहीं हुआ कि हाँ मुझे पता नहीं कि ड्रिजल आ गया, ये नहीं हो पाया कि मैं जल्दी जल्दी खा लूँ, मैं अपने मजे में आराम से सोच सोच के तो नहीं, मैंने जो अपना वो थॉट प्रोसेस चलता रहता ना, तो उससे मैं आराम से वही अपने स्पीड से खा रही, मैंने बाद में उसको बोला रियलाइज करके कि ड्रिजल शुरू हो गई थी, मैं तब भी अपनी उसी स्पीड से खा रही हूँ। बात का मुद्दा नहीं बताया इसने, मतलब बारिश आ गई वो बंद हो गई लेकिन इसने तेज नहीं खाया एक बार पिज्जा ऐसा। बारिश बोलती कि भाई तू खा ले आराम से, मैं भी लॉक घूम के आती हूँ क्योंकि हाँ जब मैंने खा लिया ना तब वो उल्टी साइड की हवा चलने लगी और तब दोबारा ड्रिजल शुरू हो गई थी। ले ये तो सच्ची में बात प्रूव कर रही है मुझसे प्यार ही इतना है भगवान को यार। भगवान को हर बच्चे से प्यार है, मुझसे ज्यादा है ठीक है ना, सारे भगवान के बच्चे भगवान का सबसे प्यार है तभी आए हैं सब। That is true, but universe को मुझसे ज़्यादा है, बस बात खत्म। तो अच्छा सबको यही सोचना चाहिए, हर कोई फिर वो regret feel नहीं करेगा कि भगवान हम पे ध्यान नहीं देते। तो हर कोई को, मैं अपनी बात कर रही हूँ। अरे वही। So हम यहाँ अभी traffic में रुके हुए थे तो मेरे को एक बात याद आई जो मैंने इसको भी बताई थी पहले, जो कि ये थी कि like पापा ना actually अभी गए हुए हैं तो वो अभी कल आ रहे हैं मेरे को सरप्राइज देने के लिए और उन्होंने मेरे को ये नहीं बताया और ये मुझे कैसे पता लगा उसकी स्टोरी ये है कि लाइक उनकी एक फ्रेंड है जो बात बात करी तो उन्होंने मुझसे भी बात करी तो कहती मेरे को एक बहुत चीज बताने का मन कर रहा है, सरप्राइज खराब करने का मन कर रहा है तुम्हारे पापा का। तो मैंने बोला ओके क्या, मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं था क्योंकि मैंने ना उससे थोड़ी देर पहले ही पापा से बात करी थी कि लाइक हाँ क्या चल रहा है कैसे हो सारा खाना नहीं ना नॉर्मल जैसे डे टू डे की बात होती है तो वो करी थी और उसके बाद फिर उनसे बात हुई और वो कहती कि लाइक ही इज कमिंग तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। लाइक हाँ ये क्या हो रहा है। तो बट फिर मैंने बोला ओके कह रहे या ही इज ऑन हिज ट्रेन, ही इज ऑन द ट्रेन राइट नाउ एंड ऑल एंड ऑल एंड तो लाइक मैं ओके पापा से बात करने में पता तो लगा नहीं कि वो आ रहे हैं या कुछ हो रहा है तो यार। तो ये तो वो बात थी, उसके बाद नॉर्मल चलता रहा। मैंने कहा ठीक है क्या पापा को बोलूं क्यों बताऊं कि सरप्राइज खराब हो गया, मैंने कहा थोड़ी देखते हैं एक्टिंग करते हैं, वो एक्टिंग कर रहे तो हम भी कम थोड़ी ना भाई है ना। तो लाइक उसके बाद मैंने फिर थोड़ी देर बाद जब हम बाहर बाहर निकले तो पापा का दोबारा कॉल आया, तब ये आया बताने के लिए कि हमारे मोहन चाचू हैं उनके बेटे का बर्थडे है तो कल उधर जाना है तो वो मुझे बोल रहे थे कि तुम चली जाओगी। मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगी ऐसे, कहते चले जाना ना हर बार ऐसे वो बुलाते हैं ये वो और वो रहते हैं पानीपत में तो इसीलिए वहां जाना है। तो आई वाज लाइक अकेले जाऊंगी तो इसीलिए फिर मैंने तो मतलब मैं भी एक्टिंग करी, मैंने कहा कोई नहीं आप भी नहीं हो तो कैसे ही चलेंगे ये वो, पापा कहते कोई नहीं ना चली जाइए ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पता होता आए नहीं एंड लाइक वो लाइक दोनों बाप बेटी का आप देख रहे हो कैसे एक्टिंग में एक्टिंग चल रही थी नेहले पे देला। उसके बाद देहले पे ग्यारी ये थी नेहले पे ग्यारी ये था कि फिर पापा बोलते कि अच्छा शुभा रसमलाई खाता है, मैंने कहा हाँ खाता है, मैंने कहा फिर लेकिन आप जब तक आओगे तब तक तो खराब हो जाएगी तो आज लेके फायदा क्या। कहते नहीं वो तो मैं किसी के हाथ भिजवा दूंगा, मैंने बोला ऐसे कैसे किसी के हाथ भिजवाओगे वो तो तब भी तो खराब ही हो जाएगी आने में तो टाइम लगेगा गुजरात से। तो कहते नहीं नहीं तू बता ना कि खाता है या नहीं खाता, मैंने कहा हाँ हाँ खाता है कोई नहीं बट रहने दो आप लाना मत, मैंने ये बोल दिया मैंने कोड वर्ड में बोला कि हाँ मेरे को पता है शायद क्या आ रहे हैं लाना मत क्योंकि मैंने बोला तो बट उन्हें लगा कि हाँ मैं बात की बात बोल रही हूँ भिजवाना मत या कुछ ऐसा तो ध्यान नहीं दिया उस चीज पर उन्होंने। तो या तो उसमें वो बोलते चल ठीक है मैं भी बाद में बात करता हूँ, मे बी वो कहीं रुके होंगे तो ट्रेन व्रेन चलने वाली होगी या कुछ होगा तो इसीलिए वो फटाफट पापा ने फोन रख दिया। एंड इतने वो है ना लिटरली इतना नॉर्मल बात कर रहे जो पहले जब स्टार्टिंग में मैंने आज सुबह ही बात करी उनसे तो वो कहते हाँ अभी तो टाइम लगेगा बहुत अभी तो काम है यहाँ पे ये है वो है। तो आई वाज लाइक कोई नहीं मेरी बात नहीं हो तो काम इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली स्पेशली आजकल के टाइम में जब इतना हेक्टिक पैंडेमिक चल रहा है। तो
तो या तो ये था इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो कि हम ट्रैफिक में थोड़ी ही आगे पहुंचे अभी सिर्फ लिटरली 100 मीटर भी नहीं, 100 मीटर पहुंचे, 100 मीटर आगे, थोड़ी सी आगे, तभी बोला रेड लाइट खराब है एंड हमारी पूरी बात होगी इतने में आपसे तो अंकल आ रहे हैं, अंकल को पता भी नहीं है कि हमें पता है उन्हें ये नहीं पता, हमें पता, हमें पता है कि हमें पता है कि उनको नहीं पता, कि उनको नहीं कि हमें पता है हम उनको नहीं पता कि हमें पता, और हमें पता कि उनको नहीं पता कि हमें पता है। They don't know that we know they know we know. तो देखते हैं जो सरप्राइज होगा कल, मैं तो सोचूं जैसे तैसे करके उधर लेने भी नहीं जाओगे क्योंकि वो सरप्राइज होते हैं, तो वो अपने आप ही आएंगे घर शायद, या फिर क्या पता रेलवे स्टेशन आगे वाले में आ गया लेने आ जा। हाँ वो भी होती है, ये तो नहीं करेंगे, ये तो नहीं करेंगे, सीधा घर आके धप्पा करेंगे, घर आके धप्पा करेंगे तो मैं तो सोचू मैं उन्हें रेलवे स्टेशन में धप्पा कर देती हूँ, बट टाइमिंग्स नहीं पता ना, अंदाजा लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाते हैं कुछ जुगाड़, खुराफाती डिटेक्टिव तो। अरे यहाँ तो उनके दोस्त से पूछ लेते ना कब तक पहुंचेंगे, हाँ ये तो पूछ लो अंकल को सरप्राइज, वो दोनों की बिचौली बन जाएगी, यही करते यही करते हैं। हम घर आ गए थे एंड उसके बाद मैं उस डॉग को बरी भी कर आई थी एंड लाइक उनसे बात बात भी कर ली, अब सारे डॉग्स की वैक्सीनेशन फिक्स हो गया तो देखेंगे सून शायद हम बहुत जल्द वो भी करवाएंगे, प्लस अब उसके बाद हम थोड़ी देर लाइक घर का थोड़ा काम वाम करा, आईसी को खाना खिलाया, अभी ये मैडम उठ गई है एंड अभी बज रहे हैं रात के 4 तो, और पापा का कॉल बीच में अभी आया था, ऑल्दो कहते हैं कि क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला कुछ नहीं बस बैठे थे, तो कहते आए नहीं, मैंने कहा है आए नहीं, लाइक वो मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे, कह मैंने कहा आना था, तो कहते लेने नहीं आना था, तो आई वाज लाइक है ऐसा तो नहीं, फुल एक्टिंग चल रही थी, तो या अभी फाइनली उनका कॉल आया कि वो फाइनली आ चुके हैं स्टेशन में, क्योंकि उन्होंने मुझे लाइक जब वो हाफ रास्ते राजस्थान उन्होंने क्रॉस कर लिया था तब उन्होंने मुझे कॉल में बता दिया था, उस समय जब कॉल आया था कि हाँ मैं आ रहा हूँ सरप्राइज देना था, तो आ जाना नहीं तो मैं ही आ जाता, कहते और नहीं नहीं तो मैं सोच रहा था पहले कि 5 बजे घर पे आके धप्पा करके करूंगा, बट या कि उनको लगा फिर कि मैं डर जाऊंगी कि आधी रात को ऐसे कौन आ गया एंड ऑल, तो बट उन्हें क्या पता कि हमें पता था, वो तो ये जब ब्लॉग देंगे तब उन्हें पता लगेगा, तो लेट इट बी अ सरप्राइज फॉर हिम, तो उन्होंने बोला था कि चलो मैं आपको ट्रेन जब आएगी तब बता दूंगा, तो अब उनकी ट्रेन आ चुकी है, तो चलिए फटाफट से लेने चलते हैं, सुबह के 4:30 होने वाले हैं एंड अंधेरा ही हो रखा अभी भी, यहाँ हमारा माऊ भी आ रखा है, माऊ ये हमारा बाहर वाला है, ये मतलब लगता है कैस्पर की तरह बट ये हमारा माऊ है, मैं इसको भी खाना देती हूँ, तो या दूध और कैस्पर के बिस्किट्स, तो माऊ तू खा ले मैं आ रही हूँ आराम से, ऐसा लग रहा है कि लाइक सीरियसली कि जैसे कि पहाड़ों के रास्ते में हो रहा है और अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं जैसे मैंने आपको दिखाया है, तो या इतनी खाली सड़कें दिल्ली में भी होती हैं, बट वही सिर्फ कुछ टाइम के लिए, तो या ये कभी काम खत्म नहीं होगा दिल्ली में, कहीं ना कहीं तो चलता ही रहेगा, स्पेशली हमारी वेस्ट दिल्ली में भाई जल बोर्ड का काम चल रहा है, लगा दी ओ हो पूरी फील ले रहे हैं पहाड़ों वाले एरिया की, तो एंड स्पेशली बारिश के टाइम में तो और ज्यादा ही ज्यादा, क्योंकि मिट्टी विट्टी जो भी होती है कंकड़ वो सब पानी के महब हो के साइड हो जाते हैं, तो मस्त झटके पहाड़ों जैसे आ रहे हैं, पापा भी पहुंच गए हैं वो स्टेशन में, वो अभी वेट कर रहे हैं दिल्ली के स्टेशन पे, तो हम फटाफट से पहुंचते हैं, अभी आप ड्राइव एंजॉय करो इतने। क्या क्या ले आया ऐसा, सो आ चुके हैं हमारे पापा, आ गए हम, सरप्राइज देते हैं हमें, चलो चलो, क्या था ये सरप्राइज, क्या था ये, क्या था सरप्राइज, था सरप्राइज, क्या था ये एकदम से, एकदम से क्या, एकदम से सरप्राइज देना अच्छा होता ना, तो ये सामान क्या क्या ले आए, अरे कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं तो नहीं लग रहा ना इतना सब ला रखे हो, सो अभी हम घर पे मिलते हैं, अभी पापा जी भी थके हुए हैं तो फटाफट से चलते हैं, सो अब हमें आए हुए भी टाइम हो चुका है एंड 6 बजने वाले हैं, हमारी हालत अब नींद से खराब हो रही है लिटरली बहुत ज्यादा ही, तो
अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड स्पेशली डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन टू बी द पार्ट ऑफ द फैमजम. नहीं तो आगे की वीडियोज को कैसे पता लगेगा. तो यहाँ पे पापा भी आईसी के साथ ऐसे ही सो चुके हैं. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.